अब बलजीत दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो जो शादी का जोड़ा वो लेके आने वाली थी, अब मैं चाहती हूँ कि वो शादी का जोड़ा तुम मेरे घर पे लेके आओ। लेकिन 11 बजे आ जाना, 2 बजे मुहूर्त याद है ना तुम्हें? See you, bye. मिस्टर सिंघानिया, अभी उन्हीं से मिलकर आ रही। केस बंद करवाने के पेपर्स रेडी हो रहे हैं। मैं अपना काम टाइम से कर रही हूँ, बस तुम भी अपना काम टाइम से कर लेना। तुम्हारा झूठा कंसर्न, तुम्हारी झूठी फिक्र, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। हाथ का दर्द दिखाई दे रहा है ना, और जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या? सब रुठा सरबीर, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। माहिया तू केले गया, जग छोटा वे, रब छोटा वे, बंदे तुमने मेरे दिल को छुआ, प्रक्षी दिल को। कैसे लगी तुम्हें और कितनी गहरी चोट है? तो एक गंदा सा कपड़ा। लिसन रिगार्ड, दिल टूटा वे। प्राची, आज तक तुमसे बड़ा छोटा इंसान नहीं देखा। क्या झूठ बोला मैंने? ये पूछो कि आशक तुमने सच क्या बोला? तुमने जो भी बोला ना प्राची, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि हम बहने हैं, we should forget everything and have a fresh start। मुझे सिर्फ फैमिली से लेना देना है, रणबीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, ये सब बोलते हो ना तुम? कहना क्या चाहती हो? इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में तुम मुझे बताओगी या फिर मैं शुरुआत से शुरू करूं? I'm sorry. Sorry for ruining my life? क्या बोल रही हो रिया? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ट्रस्ट में, ट्रस्ट यू, जस्ट लुक एट यू, मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी जो अपनी बहन की शादी के 2 दिन पहले उसके होने वाले हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है? प्राची, लोग ना लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन शादी के सालों बाद भी साथ में रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनकी शादी के स्टार्टिंग के इयर्स में उनके बीच में ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है, और तुम देख रहे हो? तुम मेरी शादी की शुरुआत कैसे करने जा रही हो? प्राची, तुम ना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हो। क्या बोल रही हो तुम? मेरी बहन हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम ऐसा ही सोचती हो, तुम कहती कुछ और हो, करती कुछ और हो। तुम हमेशा कुछ ऐसा करती हो जिससे रणबीर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। आई नोटिस दैट, आई नोटिस एवरीथिंग। क्या तुम मेरी अपनी बहन हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी मैं? फिर ये सब क्या ही है? कोई रोमांटिक मूवी चल रही है? हाँ, टेल मी। उसके हाथ में चोट लगी थी, खून निकल रहा है। वो बच्चा नहीं है प्राची, वो खुद अपने हाथ में बैंडेज लगा सकता है। घर में बहुत सारे लोग हैं जो उसके हाथ में बैंडेज लगा सकते हैं, लेकिन तुम क्यों लगा रही थी? हाँ, तुम हमेशा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती हो ना जिसमें तुम दिखाती हो कि तुम रणबीर के लिए कितनी केयर करती हो। श्रिया, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए। मैं चाहती हूँ माँ, पापा, मैं, तुम, हम सब साथ रहे। मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। Just because हमारे बीच में differences है, हम किसी और को hurt नहीं कर सकते। पर तुमने मुझे hurt किया है। I can't bear you in this house. मेरे साथ, रणबीर के साथ, मैं नहीं देख सकती। इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। तुम एक फैमिली चाहती हो ना, एक हैप्पी फैमिली, तो हमारी खुशी के लिए इस घर से दूर चली जाओ। देखो, अगर तुम नहीं गई तो मुझे रणबीर को कहीं दूर लेकर जाना होगा, और डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मेरे साथ आएंगे, और मॉम तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे साथ जाएंगे। तो अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो रणबीर अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा, मॉम डैड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बहाना बनाओ, जॉब का, एजुकेशन का, एनीथिंग, जस्ट गो फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। क्यों कह रही हो ये सब? ये मेरी भी फैमिली है, मैं इतने साल अपने पापा से दूर रही, मुझे भी उनके साथ रहना है। प्राची, मुझे यही बात बार बार नहीं समझानी,
अगर तुमने मुझसे जो भी कहा ना वो 1% भी सच है, 1% भी जेन्युइन है, तो यहां से चली जाओ। क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं चली जाऊंगी सबसे दूर, तुमसे दूर, अपनी माँ से दूर, अपने पापा से दूर, अपने रणवीर से दूर चली जाऊंगी। गुड। डैड जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। तेरे पापा ना पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते थे, मैं बता रही हूँ, वो बहुत खुश होंगे हम सबको देख के। तू चल। जहाँ तेरे पापा है वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मॉम की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर सकती हो तुम? अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूँ। मुझे मेरा प्यार लौटा दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूंगी। तुम पे भरोसा करना और मंदिर में जाके माथा टेकना ना एक ही बात है। मैं हूँ ना तेरी फैमिली और तू मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्राची से बुलवाना जरूरी था, अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, उसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। क्या सोच रही हो? कल शादी कैसे रुकेंगे? मतलब जज और लॉयर के होते हुए हम क्या कर सकते? व्हाट? तनु ने जज और लॉयर को भी शादी का इनवाइट भेजा है, वो केस वापस लेने के बाद शादी में आएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो आ भी गए शादी में तो? प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम है ना, फर्क तो पड़ेगा। तनु जो है वो शादीशुदा है, हम डायरेक्टली उसे उनके सामने ब्लेम तो नहीं कर पाएंगे ना कि हम जानते हैं तुम शादीशुदा हो। बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। इन्हें इसी कंडीशन पे रिलीज किया जाएगा कि ये तनु से शादी कर रहे हैं, अब उन लोगों के सामने शादी कैसे तोड़ेंगे हम? मतलब ये शादी हो जाएगी और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे? वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि तनु के इस मूव के बाद हम क्या करें। तनु ने ना बहुत बड़ी चाल चली। सब पछताओगे, तुम्हारी और मेरी दोस्ती यही इसी वक्त खत्म। ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं जज को, लेकिन हम शादी से पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जज और लॉयर का आना जो अभी हमारे अगेंस्ट जा रहा है वो हमारे फेवर में भी तो हो सकता है। ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपकी शादी तोड़वाने के लिए हमें क्या चाहिए? तनु का कन्फेशन, राइट? एक बार वो सच बोल देगी उसके बाद पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, और अगर उसने कन्फेस नहीं भी किया तो हम उसके हस्बैंड को ढूंढ सकते हैं और वो तनु का सच सबको बता देगा। मॉम यू आर राइट, अगर हमें तनु आंटी का कन्फेशन नहीं भी मिला तो उनके हस्बैंड का रिविलेशन मिल जाएगा तो भी काफी है। आई मीन दैट विल वर्क फॉर अस, राइट? एग्जैक्टली। मतलब तनु हो या उसका हस्बैंड, दोनों तनु का ही सच सामने लाएंगे और ये सच हमें जज और लॉयर को ही दिखाना। तो अगर जज ने ये सब खुद देख लिया तो ये शादी रोक देगा। मतलब तनु जिसे अपनी शादी करवाने के लिए लाई थी वही ये शादी रोक देगा। Yes, यही दो चीज चाहिए शादी रोकने के लिए। That's what we need. That means it's a do or die situation for us. हमें कुछ प्रूफ करना होगा या तो फिर हम फेल हो जाएंगे। ये शादी नहीं होनी चाहिए, हम फेल नहीं हो सकते। फेल होना मतलब सब कुछ खो देना। वी कांट अफोर्ड दिस। हाँ, हम हारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। शादी में कुछ घंटे बचे हैं, हमें सिर्फ ये सोचना है कि तनु का सच बाहर कैसे लाना है। अगर हम नहीं कर पाए तो? कुछ बात करनी हो? We'll be right back.
क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? अब वो जैसी वैसी बात करेगी ना। पर मैं जैसा हूँ मैं वैसे बोल नहीं पा रहा हूँ ना। वो तनु को कुछ बोलने गया, जवाब देने गया तो तुमने रोक लिया मुझे। वो तो अच्छे के लिए ना। क्या अच्छे के लिए यार? पता है सबसे पहली बात, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ हम दोनों के बीच, ताकि कल को जब मैं कुछ करूँ ना तो तुम्हें गलत ना लगे, ताकि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जो कि हमेशा होती है, जिसकी वजह से हम लड़कर अलग होते हैं। क्या हुआ, क्या क्लियर करना चाहते हो? यही कि मेरे लिए तुमसे अच्छा और कोई नहीं है। बस यही बोलेंगे, अच्छा तरीका आई लव यू ना बोलने का। मैं सीरियस हूँ यार, मैं अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे बिना काट चुका हूँ, तब मैं सीखा हूँ। मैं बाकी की आधी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तो वाकई सीरियस है? मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट जोकिंग। मैं भी आपको सीरियसली कह रही हूँ कि हम कभी अलग नहीं होंगे। चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो अब तुम प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो कि अगर तुम मुझे तनु के चुंगल से नहीं बचा पाएंगे ना, तो हम कहीं भाग जाएंगे। We'll just, we'll run away. क्या? क्या मतलब? तुम प्रॉमिस करो ना मुझे। अरे प्रॉमिस, आप कैसे बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं? देखो अगर तुमने प्रॉमिस नहीं किया ना, मैं ये शादी अपने तरीके से रोकूंगा। ये कैसी कंडीशन है? मैं तुम मुझे प्रॉमिस करो। देखो मुझे नहीं, मुझे थोड़ा सुकून, थोड़ा अश्योरेंस चाहिए, ताकि मैं आज की रात गुजार सकूं, सुकून से सो सकूं कि मेरी शादी नहीं होगी। प्रॉमिस मी कि अगर किसी वजह से तनु से मेरी शादी हो भी जाती है ना, तो उसे हमें अलग करने नहीं दोगी। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। हम अपना सामान अनपैक करेंगे, कहीं भाग जाएंगे। अगर इस घर में नहीं रह पाए तो कहीं बाहर रहेंगे, पर साथ रहेंगे। प्रॉमिस मी दैट। प्रॉमिस। हे भगवान, मेरी माँ और पापा को कभी अलग मत करना। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे रहेंगे? कल तनु आंटी को जीतने मत देना, और अगर वो जीत गई तो उन्हें मेरी माँ और पापा को अलग मत करने देना। पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं, पर मैं ऐसे चुपचाप बैठ तो नहीं सकती। अपनी माँ और पापा के लिए मुझे कुछ करना होगा। टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है? आज तो इसे फास्ट चलना चाहिए था, ताकि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरे अभी से शादी हो जाए। अब और वेट नहीं हो रहा मुझसे। प्रदीप को यहाँ क्यों आना है? नहीं, दिस इज नॉट राइट। मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी, मैं ना बहुत प्रॉब्लम में हूँ। एक्चुअली एक स्टडी से मेरा झगड़ा हो गया, और गुस्से में ना मैंने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो कह रहा है कि या तो मेरी कार रिपेयर करवाओ या मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर देगा। आपको तो पता ही है कि उनको बस मौका चाहिए मुझे पकड़ने का, और इस बार अगर मैं अंदर गया ना तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुम्हें अभी बेल दिलवाई है, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। फिलहाल थोड़े पैसे दे दो बस, वो मैटर मैं दबा दूंगा यहीं पर। देखो मैंने तुम्हें पहले, तुम्हें समझ में नहीं आता कि अंदर जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे शादी के बाद आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास दो दो गाड़ियां हैं, इतने बड़े घर में तुम रहती हो, और कह रही हो मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मुझे मेरे पैसे दो, वरना मैं अभी के अभी अभिषेक मेरा घर जा रहा हूँ। मैं वहां जाकर सब बता दूंगा तुम्हारे बारे में, प्रदीप के बारे में। धमकी दे रहे हो? हाँ मैं धमकी दे रहा हूँ। औकात क्या है तेरी? तुझे लगता है तू मुझे धमकी दे सकता है? लगता है मुझ जैसी औरत से पहले पाला पड़ा नहीं है तेरा। मैं वो हूँ जिसके पास रोशनी आके भी खो जाती है। अब तुम मुझे डरा रही हो? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जानता नहीं ना मुझे? अब बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या चीज हूँ। Stop it! Leave me, Pradeep. Stop it! Just leave me. No. हट जाओ बीच में से, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। Just leave me. छोड़ो इसे. प्रदीप. दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? Stop it. प्रदीप. चल मेरे साथ। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैं तनु बोल रही हूँ, तनुश्री मेहता। हाँ हाँ पहचाना, बोलिए। जो इंसान अभिषेक प्रेम मेहरा के घर आया था चोरी करने, वो मेरे घर पे भी घुस आया है, और उसने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की।
जब मैंने फाइट बैक किया तो वो यहाँ से भाग गया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है। और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरी शादी रुका देगा, वो अभिषेक प्रेम मेहरा के घर जाएगा और सबको बोल देगा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और इंस्पेक्टर मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई है। और वो अभिषेक प्रेम मेहरा के घर जाके ये बोलने वाला है कि मेरी शादी किसी प्रदीप या प्रदीपन खुराना के साथ हो गई है, और वो मेरा हस्बैंड है। क्या नाम बताया आपने? प्रदीप या प्रदीपन, कोई दो नाम बताया, लेकिन सरनेम खुराना ही था। आप वो सब छोड़िए, आप ये यहाँ पे जल्दी आ जाइए। वो बंदा पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, और उसके साथ एक और वो बंदा भी था, पर जिसका ना वो नाम ले रहा था प्रदीप, वो हो सकता है उसके साथ मिला हुआ हो, और जैसे वो मेरा हस्बैंड बता रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए आप शांत हो जाइए, मुझे कुछ चेक करने दीजिए। प्रदीप खुराना, इस नाम का एक पुलिस रिकॉर्ड तो है मेरे पास। उसकी दाढ़ी है, वो लंबा और गोरा है। मुंबई पुलिस इसे एक मर्डर केस के सिलसिले में ढूंढ रही है। उन्हें लगा कि वो दिल्ली भाग आया, इसलिए उन्होंने मुझे डिटेल भेजी थी। ओह माय गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा भी मर्डर कर दे। आप प्लीज प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए, प्लीज। देखिए मैम, आप घबराइए मत, हमें ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। हम आ रहे हैं, तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। मेरे और अभिषेक प्रेम मेहरा के बीच में जो कोई भी आएगा, उसे हमेशा के लिए बीच से हटना होगा। रिया, रिया पता नहीं कहां चली गई। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू डूइंग हियर? बहन का प्यार तो मुझे खींच के नहीं लाया होगा, काम था इसलिए आई थी, और जरूरी काम था। इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी नहीं आती। जस्ट मेक इट फास्ट एंड लीव, ओके? तुम तनु आंटी को सबक सिखाना चाहती हो? ऑफ कोर्स। उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। रणबीर और मेरी शादी कितने ग्रैंड तरीके से हो सकती थी, लेकिन नहीं। डैड ने क्या क्या नहीं सोचा था, कितने सारे लोग आएंगे, सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, सारे रिलेटिव आएंगे, लेकिन अब तो शादी के पिक्चर्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो रिया? तुमने एक बार भी माँ और पापा का नाम नहीं लिया कि तनु आंटी की वजह से वो दोनों अलग हो सकते हैं। काश वो तनु आंटी हमारी लाइफ में कभी आती नहीं। पता है वो बुढ़ापन। तुमने बात तो सही बोली कि तनु आंटी को सबक सिखाना ही चाहिए, पर उसका रीजन, अच्छा ठीक है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ये भी रीजन चलेगा। तो मैं क्या कह रही थी, हमें अब हमें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। तो अगर हम तनु आंटी को सबक सिखाना चाहते हैं तो ये प्रूव करना होगा कि तनु आंटी ऑलरेडी मैरिड है। अगर ये प्रूव कर पाए ना तो बस डैड का पीछा छूट जाएगा, और फिर पूरी फैमिली का फोकस तुम्हारी शादी पे होगा। वही होगा जो तुम चाहती हो। यू आर राइट। अगर तनु और डैड की शादी नहीं हुई तो फिर मेरी और रणबीर की शादी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और माँ और पापा एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, तनु आंटी को ना हमें सबक सिखाना होगा, क्योंकि पापा ना बहुत डर गए इस शादी को लेकर, क्योंकि मैंने सुना उन्हें कहते हुए कि प्रॉमिस मी कि अगर किसी वजह से तनु से मेरी शादी हो भी जाती है ना तो उसे हमें अलग करने नहीं दोगी। तब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। हम अपना सामान अनपैक करेंगे, कहीं भाग जाएंगे। अगर इस घर में नहीं रह पाए तो कहीं बाहर रहेंगे, पर साथ रहेंगे। प्रॉमिस मी दैट। तो इसीलिए हमें ये करना होगा, और मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ ये शादी तो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तभी तो रणबीर और मेरी शादी अच्छी तरह से होगी। अगर तनु आंटी और डैड की शादी होगी तो फिर मॉम डैड भाग जाएंगे। अगर वो चले गए तो फिर मेरी शादी पे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से तो ये शादी हो रही है। नहीं नहीं ये शादी तो रोकनी पड़ेगी, तुम मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहीं पढ़ा था, ट्रूथ सीरम अगर किसी इंसान के खून में चला जाए ना तो वो इंसान झूठ बोल ही नहीं पाएगा, बस सच बोलेगा। तो तुम ट्रूथ सीरम से तनु का सच बाहर निकलवाओगी? एग्जैक्टली। हमें बस ये प्रूव करना है कि तनु आंटी शादीशुदा है। उनके हस्बैंड जब आ जाएंगे ना तो झूठ बोल ही नहीं पाएगी, बस सच बोलेगी। बट इसके लिए हमें ट्रूथ सीरम चाहिए। कहाँ मिलेगा? एक्चुअली कॉलेज में कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं किसी को जानती नहीं जो ये सब। वन सेकेंड, आई नो समबडी। मैं पता करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, आई गेट बैक टू यू विद माई फोन। आई बी बैक। हाँ ये क्या कर रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ हो गया दिमाग खराब मेरा, और जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था जैसे तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम मुझे मेरे काम में रोक कैसे सकते हो? मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हो तुम? आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि मैं तुम पे भरोसा कभी कर ही नहीं सकती। तो क्या चाहती हो तुम? तुम मेरे सामने किसी का मर्डर करो और मैं तुम्हें रोकूं ही नहीं, तुम्हें क्या लगा?
तुम मर्डर करोगी और पुलिस तुम्हें वार्निंग देके छोड़ देगी कि कोई बात नहीं तनु जी, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता ना तो तुम मर्डर केस में जेल चली जाती। Don't catch me. I hate it. मुझसे लड़ाई करने की सोचना भी मत तनु। And I hate it when you show me you can overpower me. तो भूलो मत कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। नहीं भूली मैं, अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। I'm done with you. You can never be done with me. चाह के भी नहीं, और तुम जानती हो क्यों? पुलिस, पुलिस यहाँ कैसे आई तनु?